वन सीआर का टर्नओवर कर रहे थे और इस रेफरेंस के माध्यम से आप 10 CR का टर्नओवर क्या 20 CR का भी टर्नओवर एक साल में बना सकते हैं। इसे मैंने कहा कि 8 महीने में 20 करोड़ का बिजनेस आपके मेंबर्स ने बनाया है, तो क्या ऑफलाइन नेटवर्किंग भी आज इम्पोर्टेंट है आज के दौर में? जो कि है, ऑफलाइन बहुत जरूरी है, ऑनलाइन में ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो। दोस्तों, क्या एक दूसरे से मिलके नेटवर्किंग करके बिजनेस किया जा सकता है, वो भी करोड़ों का? आप कहेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये मजाक नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलवाने जा रहा हूँ जो एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म चलाते हैं और महज 8 महीने पहले ही उन्होंने इसकी शुरुआत की और 8 महीने में ही 20 करोड़ का बिजनेस हुआ है। अब ये कैसे हुआ है, मेंबर्स ने कैसे नेटवर्किंग करके बिजनेस किया है, चलिए चलते हैं और मिलते हैं उस एंटरप्रेन्योर से। तो दोस्तों, अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्य राज देवगुरु जायसवाल, जो कि फाउंडर हैं ईवीओ कनेक्ट के, जो एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। जैसा मैंने बताया कि इनके मेंबर्स ने पिछले 8 महीने में तकरीबन 20 करोड़ का बिजनेस किया है, सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो गौर से देखिएगा। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप लोग काम कैसे करते हैं? हम लोग एक शहर में भिन्न भिन्न से अलग अलग कैटेगरीज के एंटरप्रेन्योर को मिलवाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, कॉरपोरेट मीटिंग्स करते हैं, जिसमें काफ़ी कुछ स्किल डेवलपमेंट होता है उनका, पर्सनल डेवलपमेंट होता है उनका, कैसे अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाया जाए। फिर उनको बैठाते हैं कि आप लोग 10 से 15 मिनट रेफरेंस शेयर करो एक दूसरे के साथ। सपोज़ मैं श्याम स्टील में काम कर रहा हूँ और मुझे रश्मि मेटेलिक्स में कनेक्ट चाहिए, तो आपका रश्मि मेटेलिक्स में कनेक्ट है, आपने मुझे करवा दिया बेयरिंग्स के लिए मेरा जो प्रोडक्ट है, और मेरा 80% काम वहाँ हो चुका होता है, 20% होता है मुझे फॉलो अप करके आपके रेफरेंस से थ्रू मिला हूँ और उसको प्रोडक्ट को क्लिक करके कंप्लीट करना होता है, और मैंने आपको श्याम स्टील का कनेक्ट दे दिया तो उनका आपने एक कॉरपोरेट वीडियो बना लिया। तो जब ऑलरेडी हम लोग एक दूसरे को रेफर करते हैं, जहाँ पे हम अच्छे से लिंक्ड है किसी कंपनी में, तो 80% बिजनेस तो ऑलरेडी हो चुका होता है सामने वाले के लिए। तो आप समझिए, अगर आप 1 CR का टर्नओवर कर रहे थे और इस रेफरेंस के माध्यम से आप 10 CR का टर्नओवर क्या 20 CR का भी टर्नओवर एक साल में बना सकते हैं, लेकिन सही फॉलोअप, सही कनेक्शन और सही बॉन्डिंग होना चाहिए मेंबर्स के साथ। तो ये जो नेटवर्किंग है, आप कहते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ लोग आपस में ऑनलाइन मिलना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो क्या आपने, जैसे मैंने कहा कि 8 महीने में 20 करोड़ का बिजनेस आपके मेंबर्स ने बनाया है, तो क्या ऑफलाइन नेटवर्किंग भी आज इम्पोर्टेंट है आज के दौर में? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके मैसेजेस में कितने लिंक्डइन में आए होंगे, फेसबुक में आए होंगे, फिल्टर करके कितनों से आप मिल पाते हैं, ये भी एक फैक्ट है ना, 1000 में से कितनों पे आप ट्रस्ट कर पाते हैं। स्कैम भी होता है, फेक प्रोफाइल्स भी होते हैं, हो सकता है वो कनेक्ट अपने काम का नहीं है, अपने टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, बट जब सामने से किसी को मिलते हैं तो अपने हर चीज़ ऑब्जर्व कर पाते हैं, उनसे बात करके उनको समझ पाते हैं कि वो कहाँ कनेक्ट करवा सकते हैं, ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है। तो ट्रस्ट जो कि है, ऑफलाइन बहुत ज़रूरी है, ऑनलाइन में ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो। ट्रू। लक्ष्य जी, आपने कहा कि ऑनलाइन में वो ट्रस्ट नहीं डेवलप होता जो ऑफलाइन में डेवलप होता है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर जो शाई है, जो इंट्रोवर्ट है, जो बात भी लोगों से करने से कतराता है, वो कैसे नेटवर्किंग ज्वाइन कर सकता है? देखिए, एक बार प्लेटफॉर्म में आएंगे तो शाइनेस अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि जो मेंबर्स है वो इतने एक्सट्रोवर्ट है कि इंट्रोवर्ट को भी एक्सट्रोवर्ट बना देते हैं जल्द से जल्द, और बैरियर तो थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। अगर आपको धंधा बनाना है तो कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना होगा, तो अपना इंट्रोवर्ट नेचर खोना पड़ेगा, लेकिन अपने आप नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, अपने आप डेवलप हो जाएगा। प्लेटफॉर्म में इतनी एनर्जी है कि लोग एनर्जी से उसको एक्सट्रोवर्ट बना देते हैं अपने आप। ट्रू। और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी पहले इंट्रोवर्ट थे। राइट। अभी भी मैं पसंद करता हूँ रहना, बट नेटवर्किंग चला रहा हूँ तो मेरा नेटवर्किंग भी पैशन है, तो मैं मिड में न्यूट्रल हूँ। अच्छा, एक्सट्रोवर्ट भी नहीं बोल सकते, इंट्रोवर्ट भी नहीं बोल सकते। तो सोचिए, जो बंदा इंट्रोवर्ट था वो एक्सट्रोवर्ट बन चुका है और तकरीबन 20 करोड़ का बिजनेस 8 महीने में उसने बनाया है, उसके मेंबर्स ने बनाया है, तो बहुत बड़ी बात है। तो ये पावर है नेटवर्किंग की। लेकिन ये बताइए कि बहुत लोग डरते हैं कि अप्रोच कैसे करें। मान लीजिए आप दूसरे एंटरप्रेन्योर को नहीं जानते, आपके अंदर एक शाइनेस है कि यार वो उससे मिलेंगे तो कैसे मिले, क्या करें, ये स्टेप कैसे आप लोग ये करते हैं कि वो फ्रैंकनेस आए? पहला चीज तो शाइनेस के बैरियर को तोड़ देना चाहिए। कोई भी इंसान जजेस नेचर है उसको भूल जाना चाहिए। आप एक स्माइल पास करो, अपना कार्ड बढ़ाओ या हाथ मिलाओ, वो अगर शाई है भी तो वो अपने आप खुल जाएगा। नेटवर्किंग के टाइम पे शाइनेस को भूल जाना चाहिए। आप समझो एक फ्रेंडशिप कर रहे हो और इसके थ्रू बिजनेस बना रहे हो, ये माइंड में प्रोसेस रखिए, तो शाइनेस अपने आप गायब हो जाएगा धीरे धीरे करके। ओके, और आप लोग
किस तरीके से मेंबर्स की हेल्प करते हैं ईवीओ कनेक्ट, किस तरीके से मेंबर्स की हेल्प करता है कि बिजनेस ग्रो हो नेटवर्किंग के अलावा, और क्या करते हैं आप लोग? हम लोग ग्रुप मीट्स करवाते हैं, उनको टारगेट देते हैं कि ग्रुप ग्रुप करके मिलिए आप लोग, आफ्टर द मीटिंग ऑल्सो मोस्टली आप वन टू वन इंट्रैक्ट करिए, उसके बाद आप अपना बिजनेस को रेफरेंस के माध्यम से बढ़ाइए। साथ साथ हमने ई कॉमर्स अफिलिएट मार्केटिंग भी डाला है कि एक दूसरे को रेफर करिए और आप भी पैसिव इनकम कमाइए। तो ये सारा प्रोसेस है और उनको डिजिटली भी ले जाते हैं, बहुत सारा हेल्प करते हैं, कॉरपोरेट मीट्स कराते हैं, और हम लोग हर दूसरे के एक सेल्स एजेंट जैसे हैं। हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं कि हम कोई भी कॉरपोरेट में जा रहे हैं तो सपोज मेरा बिजनेस है बेरिंग का, मैं ट्रांसपोर्ट वाले को भी वहाँ रेफर कर सकता हूँ, प्रिंटिंग वाले को भी रेफर कर सकता हूँ। तो हम लोग हर कोई के एक प्रोफेशनल सेल्स टीम है और इसी माध्यम से हर कोई एक दूसरे का बिजनेस बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ओके, और मुझे ये बताइए कि आप लोग सिर्फ क्या ऑफलाइन में ही काम कर रहे हैं या फिर जो ईवीओ है वो ई कॉमर्स में भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? राइट राइट, बी टू बी ई कॉमर्स, जैसे इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री मान लीजिए 5 इंडस्ट्री है उनका, तो उनको हर प्रोडक्ट का खपत है, हर सर्विसेज का खपत है, वो भी करोड़ में है, तो वहाँ पे हम ई कॉमर्स जो बी टू बी वेबसाइट है शेयर कर दे रहे हैं क्लाइंट के साथ। आप जाइए और कोई भी कैटेगरी ऑफ बिजनेस आपको चाहिए जिसको आपको परचेज करना है वो आप कर सकते हैं वहाँ के माध्यम से, और इसी में पैसिव इनकम भी जनरेट होता जाएगा। मुझे एक बात और बताइए कि जो नेटवर्किंग है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, सुनने वाले जरा गौर से सुने, कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लिया और मैं लोगों से अगर मिलूंगा नहीं, घर पे बैठा रहूंगा, तो मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा, लोग आते नहीं है, मिलते नहीं है, फिर प्लेटफॉर्म को दोष देते हैं, तो ये कितना गलत है? 200 कार्ड होल्डर में रखे कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं बोलता हूँ 100 लोगों से मिलो, 2 का कार्ड लो और 2 से बिजनेस क्लिक करो पहले, फिर आप 100 लोगों का नहीं उठा के और 4 लोग का लो, ये एक प्रोसेस है। हजारों कार्ड इकट्ठा करने से नेटवर्किंग उसको नहीं बोला जाता है। आप आज मिले उससे, फिर हाय हेलो रखिए उनको, आप अपने कोई इवेंट में बुलाइए, आप उनके इवेंट में जाइए, एक फैमिली की तरह रिलेशन बनाइए, द फैमिली दैट ईट टुगेदर्स, पार्टी टुगेदर, सब कुछ एक साथ एक रूफ में होना चाहिए। ये जब बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगा ना, रेफरेंस अपने आप उड़ के आएगा आपको। और लक्ष्य जी, मेरा पिछला सवाल यही था आपसे कि जो लोग आते नहीं है लेकिन फिर भी सोचते हैं कि भाई हमारा बिजनेस नहीं ग्रो हो रहा, वो कितना गलत है, क्योंकि आप जब तक लोगों से मिलेंगे नहीं तो बिजनेस कहाँ से ग्रो होगा? ऑब्वियसली जब तक आप विजिबल नहीं होंगे, लोग आपको जानेंगे नहीं, तो कैसे पहचानेंगे आपके बिजनेस को? जस्ट आप दिखोगे व्हाट्सएप पे या कोई भी सोशल मीडिया में, आप सामने से नहीं दिखोगे, तो ट्रस्ट डेवलप ही नहीं होगा। इंसान को लगेगा यार ये तो सिर्फ ऑनलाइन रहता है, ऑनलाइन दिखता है, सामने कभी आता ही नहीं है। तो उससे छोटा मोटा बिजनेस तो हो सकता है, बट बड़ा लेवल ऑफ बिजनेस तभी हो सकता है जब मिलते हैं लोग एक दूसरे से। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि आपके मेंबर्स ने 8 महीने में 20 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है, ये कैसे पॉसिबल किया आपने, क्या टेक्निक का इस्तेमाल किया और कैसे उनको प्रोत्साहन दिया कि इतना बड़ा बिजनेस, क्योंकि सब आपका प्लेटफॉर्म शायद 8 महीना पुराना ही है और उसी में 20 करोड़ का बिजनेस है, तो ट्रस्ट डेवलप कैसे करवाया और कैसे इतना लार्ज अमाउंट तक गए? हमने मीटिंग्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट में बॉन्डिंग्स डेवलप किया, सोशल मीट्स करवाया हमने, हम आउट स्टेशन गए एक स्मॉल वेकेशन के लिए, फिर लोगों को टीम्स बना बना के दिए, 5-5 लोगों का, 10-10 लोगों का, कि आप 15 दिन में टीम में पॉइंट्स डेवलप करो, जितना मिलोगे, जितना रेफरेंस शेयर करोगे तो आपको पॉइंट्स आएगा। तो इस माध्यम से लोग मिलना जुलना शुरू किए, बिजनेस को अपने आप डेवलप करते गए, और फिर बोले कि अपने इर्द गिर्द सारे लोगों को आप अपने स्फीयर में प्रमोट करो अपने मेंबर्स को, और जब आप देने लगोगे तो मिलने भी लगेगा, ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है। तो ये चीज़ लोगों को सिखाया हमने और कहा कि इम्प्लीमेंट करो, और एक साल दो हमें, और फिर देखो एट द लास्ट ऑफ द ईयर व्हेन द रिन्यूअल ऑफ द मेंबरशिप आपका क्या आउटपुट आया, फिर आप खुद ही बताओगे। और लोग खुश है, दे आर हैप्पी एंड दे आर ग्रोइंग विद द ईवीओ प्लेटफॉर्म। लक्ष्य जी, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल कि आपका एग्जैक्टली अब विजन क्या है नेटवर्किंग के बिजनेस में? नेटवर्किंग देखिए, हमने कलकत्ता से शुरू किया, अब इसको पैन इंडिया पैन ग्लोब बढ़ाना है। मेजर विजन है कि जो छोटे एरियाज है, अनटच्ड एरियाज ऑफ इंडिया, जो कि लोगों ने नाम भी ज़्यादा सुना नहीं है, सिमलीगुड़ा, इस्लामपुर, बैरमपुर, बर्धवान, ये सब एरियाज में हम लोग नेटवर्क जनरेट करना चाह रहे हैं। वहाँ पे कॉरपोरेट मीट्स नहीं करवा के हम उन्हें एक वेलफेयर का काम दे देंगे कि एक प्रोजेक्ट पे काम करिए महीने में मिलके, और सिटी इंटर सिटी मीटिंग्स करवाएंगे, ताकि छोटे एरियाज में दे आर वेरी डिसिप्लिन और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर न्यू बिजनेसेस एंड न्यू वेंचर्स, बट कनेक्ट या रीच नहीं हो पा रहे हैं। बट जब सिटी वाले, शहर वाले छोटे एरिया से रीच करने लगेंगे, तो शहर वाले का बिजनेस भी बढ़ेगा, उनका डीलर्स भी बढ़ेगा, और छोटे एरियाज को भी अपॉर्चुनिटी आएगा अपने बिजनेस को 10x ग्रो करने का, जहाँ वो एक बिजनेस कर रहे थे 4 बिजनेस करने लगेंगे विद अ डिसिप्लिन मैनर। तो इससे बढ़ेगा ईवीओ नेटवर्क भी और बढ़ेगा इंडिया भी साथ साथ। बहुत सही, बहुत सही।
और बहरहाल ये वीडियो में बता दूं किसी तरीके को स्पॉन्सर्ड नहीं है, इनको बुलाने का एक ही मकसद था कि जो नेटवर्किंग हम लोगों के साथ में नहीं करते हैं, जो हम लोगों, अब सोचिए कि हम सब के मोबाइल में तकरीबन 2000 नंबर होंगे लेकिन हम कभी उठा के ढूंढते भी नहीं है, भूल जाते हैं। तो ये देखिए, ये है पावर नेटवर्किंग की कि 8 महीने में 20 करोड़ का बिजनेस खड़ा हो गया सिर्फ कनेक्ट से, राइट, सिर्फ कनेक्ट से, सिर्फ मुलाकातें से। सब मुलाकात हुई तो मुलाकातें फिर हसीन मुलाकातों में बदल गई और हसीन मुलाकातें जेब में पैसे भरने से बदल गई। शायद मैं शायरी थोड़ी गलत बोल गया, लेकिन अब जो बोल गया तो बोल गया, मैं वापस नहीं लूंगा। बहरहाल वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। लक्ष्य जी, थैंक फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर द इनवाइट। थैंक। तो आपने देखा कैसे महज नेटवर्किंग से 8 महीनों में 20 करोड़ का बिजनेस किया गया है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि आपका इसमें किसी भी तरीके का डिजिटल मार्केटिंग में कोई खर्चा नहीं हुआ और आपने तकरीबन 20 करोड़ का बिजनेस बना लिया, वो भी सिर्फ नेटवर्किंग के सहारे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक बात और, अगर आप किसी भी हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज या किसी भी हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं और इसका रिवर्सल चाहते हैं, क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं, तो मेरा ये वीडियो जरूर देखिएगा, जहां पर एक न्यूट्रिशनिस्ट डायबिटीज को रिवर्स करने का दावा कर रहा है। और बहरहाल ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलूंगा आपसे एक और वीडियो में।